हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्पिता और आप सब देख रहे हो मेरा चैनल मदरहुड विद शनाया। तो आज मैं आई हूँ आप सबके लिए एक बेबी से जुड़े कुछ छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं, मैं आपको वो देने आई हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रमोशन करना नहीं चाहती हूँ, मैं कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं लेके आई हूँ। ये मैं कुछ चीज़ों को आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अलर्ट रहना चाहिए अपने बेबी के लिए, पहले से ले लेनी चाहिए। स्पेशली जो मदर्स जो न्यूली मदर बनने वाली है, उनको ये चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए और पहले से ही इन चीज़ों को आप इकट्ठा करके रख लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगी, बेबीज़ का नाक में काफ़ी चोट हो जाता है, उनकी नोज़ जो होती है उनको बहती है काफ़ी वक्त, ठंडियों के टाइम, गर्मियों के टाइम, तो ये लगा रहता है। तो उसके वक्त आपको घबराना नहीं है, उस वक्त आपको यूज़ करना है ये है नेसो क्लियर। इसे आपको बस 2 ड्रॉप्स देना है, 1 ड्रॉप एक वन साइड, 1 ड्रॉप लेफ्ट साइड। इससे क्या होगा, बेबी का जो नोज़ है वो एकदम रनी हो जाए, जो रनी नोज़ है वो बंद हो जाएगी और धीरे धीरे आपका बेबी अच्छे से ब्रीथ कर पाएगा और उससे क्या होगा, बेबी को आराम से रिलैक्स हो जाएगा। आप कोशिश कीजिए रात को जब बेबी सो रहा हो उसके नाक में तो ये ड्रॉप दीजिए, और ये काफ़ी ईजिली अवेलेबल है, किसी भी शॉप में आपको मिलेगी, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब अगर बेबी को ठंडी लगी हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसे हमेशा अपने पास रखिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। अब दूसरी सब चीज़ें मैं आती हूँ नेल्स के ऊपर। अब काफ़ी लोगों की एक सवाल आते हैं कि न्यूबॉर्न की नेल्स की केयर कैसे करें, काफ़ी वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, 4-5 दिन में ग्रो हो जाते हैं, कुछ कुछ न्यूबॉर्न के 2-3 दिन में ग्रो हो जाते हैं। ये उनके ऊपर, नेल्स के ऊपर, उनके डेवलपमेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर उनके नेल्स ग्रो करते हैं तो पहले के दिनों में मदर्स लोग ऐसे मुंह से इसको काट के एक भाप दे के कर देती थी, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि उससे हाइजीन आपको मेंटेन नहीं होता है, उससे बेबी आपका जब खुद वही ही फिंगर अपने मुंह में लेता है तो बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करनी है जिससे बेबी को प्रॉब्लम हो। तो उस वक्त आपको ये देखिए, मैंने इसे, ये कंपनी है मॉरिसन बेबी ड्रीम्स, मैं इस नेल कटर को यूज़ करती हूँ। इस नेल कटर को आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। आपको, आप चाहो तो आपको काफ़ी सारे साइट्स हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इसमें भी ये सब अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है, आप जाके उसे ले सकते हो आपके बेबी के लिए। और इसे आप देखिए, इसमें बेनिफिट मैं आपको बता दूँ, इसमें क्या होता है, काफ़ी जब बेबी बहुत छोटा होते हैं तो फिंगर्स उनके बहुत छोटू होते हैं, छोटे छोटे फिंगर्स होते हैं, तो उसके लिए आपका एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हो। इससे आप देख के इजीली आप इसे कट कर सकते हो बेबी के नेल्स। आपको अपने टित का इस्तेमाल नहीं करना है या फिर किसी दूसरे तरीके से बेबी के नेल्स को नहीं कट करने हैं सिवाय इस तरीके से, और बहुत ही सतर्क कोशिश कीजिए नहलाने के बाद, उस वक्त बेबी के नेल्स और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और बेबी सो जाते हैं ईजिली काफ़ी देर तक, तो नेल्स काटने में काफ़ी सुविधा होती है। झटपट फटफट में नेल्स मत काटिएगा क्योंकि बेबी बहुत नटखट होते हैं, वो लोग झट से अगर हाथ हिला देते हैं तो हाथ काटने का डर होता है, तो वो सब मत कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के बेबी जब सो जाए उसी वक्त बेबी के नेल्स काटिए, और ईच एंड एवरी वीक इसका केयर कीजिए नेल्स का स्पेशली, क्योंकि बेबी अदरवाइज थोड़ा अगर नेल्स उनका बड़ा हो जाता है तो वो लोग अपने फेस पे ऐसे छीन लेते हैं, अपने हेयर्स खींचते हैं, फिर इवन कि जो उनको गोद लेते हैं उनको भी हर्ट कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो खुद को और ज़्यादा हर्ट करते हैं, दूसरों को हर्ट होता है बड़ों का वो अलग बात है, लेकिन जब बेबी खुद को हर्ट करना स्टार्ट करते हैं तो हमें उस वक्त ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। तो ये था मेरा नेल्स के लिए आपको टिप। अब मैं आती हूँ ईयर के ऊपर। ईयर के लिए अब काफ़ी लेडीज़ का ये सवाल होता है कि ईयर्स पे कुछ कचरा सा जम रहा है, नेचुरल है वो होना, नेचुरल सी बात है, बड़ों की होती है तो बच्चों की तो होएंगे ही, लेकिन उस केस में आपको क्या करना है, आपको ऐसे बर्ड्स रखने हैं, और ये है जॉनसन का बर्ड्स, ये है, ये बहुत अच्छा बर्ड्स है। आपको धीरे धीरे मैं आपको एक बर्ड्स दिखाती हूँ, देखिए इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। इस बर्ड से आपको, ये बर्ड से बेबी के कान में धीरे धीरे इसको हल्का हल्का टर्न करना है, और फिर धीरे धीरे आपको जो अंदर जो जमा मैल है उसको हल्के हल्के हाथों से निकालना है, और ध्यान रखें ये सब आपको केयर करना है। और बर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो लेकिन हल्के हल्के तरीके से, बहुत ज़्यादा रफली आपको एकदम जोर से घुसा देना या जोर से कुछ रिमूव करना, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से आप घुमाइए, उसको टर्न कीजिए, सर्कुलर मोशन में घुमाइए, देखिएगा हल्के हल्के बेबी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बेबी भी आराम से रहेगा। अगर आपको लग रहा है आप कान में कुछ चला गया है या
कभी काफ़ी वक्त बेबीज़ को शैम्पू करते वक्त भी चला जाता है, थोड़ा सा पानी या झाग चला जाता है, तो इमीडिएटली आप उसे क्लीन कीजिए। इनफैक्ट मैं तो आपको बोलूँगी जो उस बेबी को आप जब शैम्पू कराते हो, शैम्पू कराने के बाद इस ईयरबड को डेफिनेटली यूज़ कीजिए। जब बेबी आपके गोद में हो रहा है, आप धीरे धीरे जब सो गया हो उसके कान में थोड़ा सा हल्का हल्का उसको दीजिए, काफ़ी वक्त हल्का हल्का पानी या फिर झाग चला जाता है वो निकल आएगा, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा इंसर्ट नहीं करना आपको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर चला गया तो बेबी को हर्ट हो सकता है। तो ये कुछ 3 टिप्स थे मेरी तरफ से, और बेबी को आप कॉम्ब भी जरूर कीजिए, छोटा सा एक कॉम्ब रखिए। ये कुछ टिप्स है मेरी तरफ से आपके छोटे छोटे बेबीज के लिए, जिन्हें इस्तेमाल करके आप खुश रहिए और बेबीज को भी बहुत खुश रखिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।